एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएल लैब लर्निंग। और आज की इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं उससे आप आज से ही यानी अभी से ही 3,000 रुपए रोजाना कमाने लग जाएंगे। जी हाँ, 3,000 रुपए कम से कम आप एक दिन में कमा सकते हैं। और अगर इसमें आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, तो ये इनकम आपकी 30,000 रुपए रोजाना भी हो सकती है। हमारे साथ पिछले 4 साल से लाखों लोग जुड़े हुए हैं और लाखों लोग काम कर रहे हैं और हर दिन पैसा कमाते भी हैं। तो आप क्यों पीछे रहना चाहते हैं? क्या आपको पैसे की जरूरत नहीं है? अगर पैसे की जरूरत है तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में बताया हुआ काम ईमानदारी से कीजिए और हर दिन कम से कम 3,000 रुपए आप कमा ही सकते हैं। अब सवाल आता है कि आपको ये 3,000 रुपए रोज देगा कौन और आपको ये पैसा मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस 3,000 रुपए रोज को कमाने के लिए आपको अपने घर से कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर पर ही रहना है। और ये पैसा आपको देगी हमारी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्था का ये चैनल है। जी हाँ, ये संस्था ही आपको हर दिन 3,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक दे सकती है। और उससे भी ज्यादा अगर आप काम करेंगे तो फिर आपको उससे ज्यादा भी पैसा मिलेगा। काम आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिसे आप नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको हमारी संस्था के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा यानी जुड़ना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन कराने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। आपका फॉर्म भरने में केवल 600 रुपए का खर्चा आता है और वो 600 रुपए भी संस्था आपको वापस कर देती है। उसके अलावा आपका संस्था में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो संस्था आपको 3,000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन करने का ही देती है। यानी आपने अगर अपना फॉर्म संस्था में भरा तो आपको संस्था की तरफ से 3,600 रुपए मिलेगा, जिसमें से 600 रुपए आपके द्वारा भरे गए फॉर्म का खर्चा होता है जो आपको करना होता है। उसके अलावा भी संस्था आपको आजीवन संस्था के साथ काम करने की अथॉरिटी देती है और समय समय पर अन्य बेनिफिट भी आपको देती है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। इस फॉर्म को आप पढ़ेंगे ध्यान से तो इस पर संस्था क्या क्या काम आपको दे रही है करने के लिए, वो सभी काम भी लिखे हुए हैं और कैसे कैसे आपको पैसा मिलेगा वो भी लिखा हुआ है। लेकिन संस्था ये पैसा दे कैसे लोगों को रही है? बेरोजगार लोगों को। बेरोजगार लोगों का मीन्स ये है, ऐसा कोई व्यक्ति जो पैसे कमाना चाहता हो और संस्था के साथ काम करना चाहता हो, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने पर संस्था उनको 3,000 रुपए देती है। साथ में जो व्यक्ति संस्था में आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको भी संस्था 3,000 रुपए देती है। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको 3,600 रुपए मिलेगा यानी 3,600 रुपए। उसके बाद अगर आप पूरे महीने में 10 लोगों के भी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो आपकी इनकम हो गई 30,000 रुपए। यानी एक व्यक्ति का रोज फॉर्म भरवाते हैं, यानी केवल आपको बेरोजगार लोगों को ढूंढना है। अगर आपने पूरे महीने में 10 बेरोजगार लोगों को ढूंढ लिया तो आपकी इनकम हो गई 30,000 रुपए। आप चाहो तो ये 30,000 रुपए एक बार में ही ले सकते हो, पूरा का पूरा 30,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप संस्था के अकॉर्डिंग पैसा लेते हैं तो इसी 30,000 रुपए पर आपको हर महीने पैसा मिलता रहेगा और जीवन भर मिलता रहेगा। और इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, 30,000 की जगह पर आपको ये पैसा करोड़ों में मिल सकता है। फिर संस्था आपको 7 अलग अलग लेवल तक पैसा देगी। यानी जिन बेरोजगार लोगों का रजिस्ट्रेशन आपने कराया है, अगर वो भी कोई भी काम संस्था के साथ करते हैं या फिर दूसरे लोगों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनकी इनकम उनको तो होगी ही, साथ में उनकी इनकम में से आपको भी हर बार पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार आपको पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा
यानी करोड़ों रुपए मिल सकता है। मान के चलिए आपने 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया तो आपकी टोटल इनकम हुई 30,000 रुपए। आप चाहें तो 30,000 रुपए एक बार में ले सकते हैं, साथ में आपके रजिस्ट्रेशन का 3,000 रुपए और 600 रुपए फॉर्म का खर्चा, यानी 33,600 रुपए हुआ, जिसको आप एक बार में ले लेंगे। उसके बाद संस्था के पास आपका कोई पैसा नहीं बचता है। लेकिन अगर आप इसे संस्था के अकॉर्डिंग लेते हैं, जो प्लान इस चार्ट पर लिखा हुआ है, यहाँ नीचे देख लेना आप, जब ये प्रिंट निकालेंगे तो इस पर लिखा हुआ है, अगर आप संस्था के अकॉर्डिंग लेते हैं तो आपने काम किया है 30,000 रुपए का, यानी सिर्फ 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया है। आप चाहें तो इसमें ज्यादा लोगों के भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे साथ ऐसे कई लोग काम करते हैं जिन्होंने एक ही दिन में 25-25 लोगों के फॉर्म भरवा दिए और उनके रजिस्ट्रेशन करा दिए और दूसरे दिन ही उन्होंने अपनी पेमेंट भी ले ली। और बहुत लोग ऐसे भी काम करते हैं जिन्होंने अपना फॉर्म तो भर दिया है लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं किया। अब जिस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया वो ये कहे कि मुझे पैसा नहीं मिला, तो भाई आप बेरोजगार थोड़े ही हो। संस्था बेरोजगार लोगों को पैसा देती है जो संस्था के साथ काम करें। कम से कम इतना काम तो कीजिए कि कम से कम 30,000 रुपए की कमाई तो कीजिए, जिससे संस्था को ये पता चल जाए कि हाँ आप बेरोजगार हैं और आप संस्था के साथ काम कर रहे हैं। फिर आपको हर महीने पैसा ना मिले तो फिर आप मेरे से बता सकते हैं कि मुझे पैसा नहीं मिला, तो पैसा मैं आपको भिजवाने की पूरी गारंटी लेता हूँ। मेरा फोन नंबर इसमें एक फॉर्म, जब आप प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पर मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है, ये फोन नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई शिकायत है। लेकिन अगर आपने अपना फॉर्म नहीं भरा है, उससे पहले अगर आप मेरे पास फोन करते हैं तो आपका फोन करना एकदम व्यर्थ है, क्योंकि इस वीडियो में ही पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। इस जानकारी के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे, और अगर आप फोन करने में, व्हाट्सएप करने में, दूसरे किसी व्यक्ति से बात करने में सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हमारी संस्था के साथ काम करने में आपका जीरो रिस्क है, आपका एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। कोई भी नौकरी या किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, और अगर आप फॉर्म भी नहीं भर सकते तो फिर आपको काम की जरूरत ही नहीं है, इसका मीन्स ये है। अब मान के चलिए आपने 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए, आपने और कोई काम नहीं किया। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही कराएं, संस्था के पास और भी हजारों काम हैं। जो भी काम आप करेंगे उसका अलग अलग पैसा आपको मिलेगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप भी कोई वीडियो बना सकते हैं तो जितने ज्यादा लोग आपका वीडियो देखेंगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। ऐसे ही टाइपिंग का काम है, ऐसे ही फॉर्म फिलिंग का काम है, ऐसे ही मेडिटर का काम है, ऐसे ही टीचिंग का काम है, ऐसे ही मेंटर का काम है, तो जो भी काम आप करेंगे उसका अलग अलग पैसा मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जो बेचारे कुछ नहीं जानते, वो कहते हैं सर हमें तो कोई काम करना आता ही नहीं है। तो ऐसे आदमियों के लिए काम ये है कि आप कम से कम बेरोजगार लोगों को ढूंढ तो सकते हो। एक बेरोजगार आदमी को ढूंढने का आपको 3,000 रुपए मिलेगा, साथ में जिस बेरोजगार आदमी को आप ढूंढ रहे हो उसको भी संस्था 3,000 रुपए देगी, तो दोनों का ही फायदा है। जिसको आप ढूंढेंगे यानी जिसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसको भी 3,000 रुपए मिलेगा, आपने उसका रजिस्ट्रेशन कराया उसका आपको 3,000 रुपए मिलेगा। अब मान के चलिए पूरे महीने में आपने केवल 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए और उसके बाद आपने संस्था के साथ कोई काम नहीं किया, आपने अपना काम करना बंद ही कर दिया, फिर भी संस्था आपको जीवन भर पैसा देगी और लाइफ टाइम आपको पैसा मिलेगा, तो ये कैसे मिलेगा? एक ऑप्शन तो यही है कि आप अपना 33,600 रुपए एक बार में ले लो और संस्था से बाय बाय कर दो, उसके बाद संस्था के पास आपका कोई पैसा नहीं बचेगा। दूसरा काम यह है कि आप संस्था के लाइफ टाइम पेमेंट मोड में जाते हैं, जिसमें संस्था आपको बार बार पैसा देती है और आजीवन देती है। तो उसमें आपने काम कितना किया है? 30,000 रुपए का। 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया, 30,000 रुपए का आपका काम हुआ, तो यहाँ पर संस्था पहली बार में आपको देगी केवल 2,000 रुपए, 28,000 रुपए संस्था के पास रह जाएगा। उसके बाद जिन 10 लोगों का आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, क्या वो नहीं चाहेंगे कि वो भी 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन करा दें और 33,000 रुपए कमा लें? जी बिल्कुल चाहेंगे।
सिर्फ 10 बेरोजगार लोगों को ढूंढने से ही 30,000 रुपए मिल रहा है तो वो लोग काम करना क्यों नहीं चाहेंगे। अगर आपके द्वारा रजिस्टर किए गए लोगों ने भी सेम काम किया और 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिया तो उनको तो उनके काम का पैसा मिलेगा ही, साथ में आपको संस्था दोबारा से पैसा देगी 10,000 रुपए। तो आपका संस्था के पास कितना पैसा था? 28,000, जिसमें से 10,000 संस्था ने फिर से आपको दे दिया। आपका पैसा कितना बचा संस्था के पास? 18,000। अब दूसरे लेवल के लोग भी उतना ही काम करते हैं, केवल 10-10 बेरोजगार लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जिसमें आपने कोई काम नहीं किया, आपने तो अपने 10 रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बंद ही कर दिया, फिर भी संस्था आपको तीसरे लेवल पर दोबारा से पैसा देती है और वो देती है पूरा 50,000 रुपए, जिसमें 18,000 रुपए आपका संस्था के पास था तो आपको 50,000 रुपए की पेमेंट मिलती है, तो 32,000 रुपए के फायदे में आप रहते हैं। उसके बाद तीसरे लेवल के लोग भी सेम काम करते हैं तो आप चौथे लेवल पर पहुंच जाएंगे और चौथे लेवल पर आपको दोबारा से संस्था पैसा देगी और वो देगी पूरा 2,00,000 रुपए। उसके बाद चौथे लेवल के लोग भी सेम काम करते हैं तो आप लेवल 5 पर पहुंच जाएंगे और लेवल 5 पर संस्था आपको फिर से पैसा देगी और वो देगी पूरा 10,00,000 रुपए, जो आपका फायदे में ही है। उसके अलावा पांचवें लेवल के लोग भी सेम काम करते हैं तो आप लेवल 6 पर पहुंच जाएंगे और संस्था यहाँ पर आपको पेमेंट करती है पूरा 50,00,000 रुपए की। उसके बाद छठवें लेवल पर भी लोग सेम काम करते हैं, केवल 10-10 बेरोजगार लोगों के रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको तो पैसा मिलेगा ही, आपको फिर से संस्था पैसा देगी सातवें लेवल पर पूरा 1,00,000 रुपए। और अगर आप एक बार लेवल 7 पर पहुंच गए तो उसके बाद आपको हर महीने कम से कम 1,00,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में संस्था द्वारा दिए जाने बेनिफिट भी आपको मिलेंगे जो इस चार्ट पर लिखे हुए हैं। आप देख लेना इस चार्ट पर क्या क्या लिखा हुआ है, ये सभी बेनिफिट भी आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको एक स्मार्टफोन, एक लैपटॉप, एक बाइक, एक कार भी मिल सकती है, साथ में 10,00,000 रुपए का मेडिकल सहायता भी संस्था की तरफ से आप ले सकते हैं। अगर हमारी संस्था से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में तो संस्था उसके परिवार वालों को 10,00,000 रुपए और देगी। जब आप इस फॉर्म को निकालेंगे तो इसमें दूसरे नंबर पर ये फॉर्म आएगा, इसमें मेरा स्पॉन्सर आईडी लिखा हुआ है 10 यानी 10 और मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है और मेरा नाम है सतपाल सिंह। अगर आपकी जानकारी का कोई व्यक्ति हमारे साथ पहले से काम नहीं करता है तो आप ये पहला वाला फॉर्म भरकर हमें भेज सकते हैं। फॉर्म को कैसे भेजना है उसकी जानकारी इस फॉर्म पर ही मेल आईडी दे रखी है, उस मेल आईडी पर ही फॉर्म को स्कैन करके या अपने मोबाइल से अच्छा सा फोटो खींचकर भेजना है। इस फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी जानकारी का है और वो पहले से हमारे साथ काम करता है या फिर किसी व्यक्ति ने आपको हमारी संस्था के बारे में जानकारी दी है और वो आपसे ये फॉर्म भरवाता है तो उसके लिए आपको ये दूसरा वाला फॉर्म भरना है, ये खाली है, इसमें उस व्यक्ति की स्पॉन्सर आईडी डालनी है, उसी का फोन नंबर और उसी का नाम डालना है, बाकी की डिटेल आपको अपनी भरनी है। उसके बाद इसमें चौथा फॉर्म है, ये इसमें डिटेल लिखनी है, जितने लोगों का भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनका नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और उनकी ज्वाइनिंग डेट इसमें लिखते जाएं, जिससे आपको ये पता चले कि आपने कितने हजार रुपए का काम इस महीने कर लिया है। जी हाँ, तो इससे आपको अनुमान भी रहेगा कि मैंने 30,000 रुपए का काम किया या 60,000 का किया या 1,00,000 का किया है। आप अनलिमिटेड लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने का मीन्स ये है कि आपका संस्था में खाता खुल जाता है, जैसे ही संस्था में आपका खाता खुलता है संस्था आपके खाते में 3,600 रुपए डाल देती है और उसके बाद जब भी आप किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो संस्था हर बार आपके खाते में 3,000 रुपए ऐड करती चली जाती है। इससे क्या होगा कि आपको लाइफ टाइम इनकम मिलती रहेगी और आपकी गरीबी बेरोजगारी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को ये फॉर्म निकालना नहीं आता है वो किसी भी कंप्यूटर वाले की दुकान पर, साइबर कैफे वाले की दुकान पर जाएं और ये वाला वीडियो उनको दिखाएं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इस फॉर्म को प्रिंट करके आपको दे देगा, फिर आपको इसे भरकर भेजना है। इस फॉर्म को भरने की फीस है मात्र 600 रुपए,
जो आपको एक बार खर्चा करना है, उसके बाद जीवन में कभी आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। 600 रुपए फीस क्यों देनी है आपको? क्योंकि इस फॉर्म को रजिस्टर करने में जो लोग काम करते हैं, आपके फॉर्म को संस्था तक पहुंचाते हैं, उन लोगों का खर्चा लगता है। वैसे इस फॉर्म को भरने की फीस 6600 रुपए है, लेकिन 6000 रुपए संस्था अपनी तरफ से देती है, वो आपको नहीं देनी है। आपको केवल रजिस्ट्रेशन की फीस 600 रुपए देनी है, और वो किसको देनी है, उसके लिए इस फॉर्म पर ही अकाउंट नंबर दे रखा है। उस अकाउंट नंबर में आपको 600 रुपए ट्रांसफर करने हैं। कैश जमा आप ना करें, कैश जमा करने से आपको भी दिक्कत होगी और आपको इसमें चार्ज भी देना पड़ेगा कैश जमा करने का। तो आप ये पेमेंट किसी से भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, उसका ट्रांजेक्शन आईडी जरूर ले लें और साथ में उसका एक स्क्रीनशॉट या पेमेंट स्लिप उससे ले लें, वो आपको इस फॉर्म के साथ भेजनी पड़ेगी। साथ में अपने डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक पासबुक, ये डॉक्यूमेंट भी आपको भेजने हैं। फॉर्म साफ सुथरा लिखें, जो जानकारी या डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो उस जगह को खाली छोड़ दें और उन डॉक्यूमेंट को भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड को रहने दीजिए, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड को रहने दीजिए, लेकिन आपको अपना अकाउंट नंबर जरूर लगाना है। बिना अकाउंट नंबर के आपके पास पैसा आएगा कैसे? अगर आपका अपना अकाउंट नंबर नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का अकाउंट नंबर लगा सकते हैं, ऐसे ही मम्मी पापा अपने बच्चों का अकाउंट नंबर भी लगा सकते हैं, यानी अकाउंट नंबर आपके किसी फैमिली मेंबर का ही होना चाहिए। तो आशा करते हैं आज आप इतना काम जरूर करेंगे। अगर आज आपने इतना काम कर दिया तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छा पैसा कमाने लग जाएंगे। जीवन भर आपके अकाउंट में पैसा तो आएगा ही आएगा, साथ में आपकी गरीबी बेरोजगारी की समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप इस काम के अलावा दूसरे तरीके के काम करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल SPL लाइव लर्निंग पर तमाम वीडियो पड़ी हुई हैं, जिनमें अलग अलग काम के बारे में बताया गया है, तो उनमें से भी कोई काम आप करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आशा करते हैं आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, आज आप ये काम जरूर करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल SPL लाइव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।